आतीत के है रंगा आए हैं प्रभु यहाँ पे, बहती है ज्ञान गंगा। रंग में अराब लिए आतीत के है रंगा आए हैं प्रभु यहाँ पे, बहती है ज्ञान गंगा, बहती है ज्ञान गंगा। आकर नहाइए ये जन्म तार जाइए, हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। ओम शांति। हम सभी एक बार फिर से दीदी जी का तहे दिल से तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। आप दीदी जी गुजरात वलसाड सब जोन से यहाँ कानपुर की धरनी पे पधारे, आपके साथ दो युगल भी और आए हैं, वो भी आप सबसे बाद में मिलेंगे, वो भी गए हैं। उनको बहुत दिल थी कि बाबा मम्मा की ये भूमि रही जहाँ सेवा किया, तो हम वहाँ ज़रूर देखेंगे। तो दीदी जी भी कानपुर कह रहे पहली बार आए, तो हम सब बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप रंजन दीदी हैं गुजरात वलसाड सेवा केंद्र जो आपका वहाँ सब जोन संभालते हैं, आसपास बहुत सेवाएं, हम को भी सौभाग्य मिला था दीदी के साथ वहाँ जाने का, तो काफ़ी अच्छी जैसे बाबा की सेवाएं हैं। तो आज वहाँ से ज्ञान गंगा बहते बहते आपके कानपुर नगर पहुँच गई, तो हम चाहेंगे कि आप सभी भी दीदी जी से अनुभव के ज्ञान रतन मोती लेते जाए और अपनी झोली भरते जाए। तो अभी हम दीदी जी को माइक देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विशेष आज के समय के अनुसार हम देखते हैं कि चारों तरफ बाहर में देखो तो कोई ना कोई प्रकार की आग लगी हुई है, जातिवाद धर्मवाद कितनी सारी है, प्रकृति की हलचल देखो कितनी चारों तरफ है, राजकीय क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो वहाँ भी हलचल है, धर्म क्षेत्र के अंदर भी हलचल है। तो ये चारों तरफ की हलचल को देखते हुए जो बाबा हमें कहते हैं कि अब समय की रफ्तार अनुसार हमारा पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थ का मीनिंग क्या होता है? तीव्र परिवर्तन। पहले समय था जो हम लास्ट शिवरात्रि की मुरली सुने, आलस अलबेलापन बहानेबाजी उसी में ही अपना समय देते आए, लेकिन अभी इन सब बातों को छोड़ते हुए चेक किया, चेंज किया, तुरंत ही उसको परिवर्तन करना। और जब ऐसे परिवर्तन की विधि को हम अपनाएंगे तब ही समय पर तैयार हो सकेंगे। आज पापा ने कहा चुप रहो, चुप रहो माना, चुप रहो माना मुख का मौन नहीं, मुख का मौन तो धारण कर लेते हैं लेकिन मन बहुत चलता है, तो मन का भी मौन, मन को बाबा की तरफ लगाना, जो बाबा ने कहा ना एक बाप को याद करना। तो जब से हम बाबा के बनते हैं तब से लेकर के हर एक के अंदर ये एक इच्छा बनी रहती है कि हम बाबा के साथ इतना योग लगाए, हम बाबा को इतना याद करें कि बस बाबा मैं हो जाए, या हम बाबा की याद में लवलीन हो जाए।
हर एक के अंदर ये तीव्र इच्छा बनी रहती है। तो ऐसे योग की गहराई का अनुभव करने के लिए हमें किन बातों के ऊपर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि हम सबका अनुभव क्या कहता है, जब योग में बैठते हैं अनुभव क्या कहता है, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। तो योग का गहराई से अनुभव करें उसके लिए किन बातों की धारणा कहो आवश्यक है, ध्यान रखे। तो सबसे पहले तो योग माना जो हम कहते हैं जोड़, योग माना यात्रा, योग माना याद, योग माना अग्नि, योग माना संबंध, अलग अलग नाम देते हैं। और उसी रीति से फिर हम समझाते हैं वे यात्रा अर्थात ये हमारी रूहानी यात्रा है, अग्नि अर्थात जिसमें हमारे आत्मा के पाप कर्म भस्म होते हैं, संबंध। तो अगर हम योग की गहराई का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें उसको संबंध के रूप में देखना है, क्योंकि संबंध नेचुरल होता है। तो हम जैसे शिविर में भी सुनाते हैं कि भगवान के साथ हमारे संबंध कौन से हैं, और हम कहते हैं सर्व संबंधों का अनुभव करना। तो जब हम योग को संबंध के रूप में देखेंगे और संबंध नेचुरल होते हैं, तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमें बाबा की याद सहज आए। तो जब संबंध को छोड़ेंगे कि बाबा ही मेरा सर्वस्व है, जैसे बाबा रोज मुरली के अंदर कहते हैं देह और देह के संबंधों को बोलो। अभी अभी बाबा ने क्या कहा, देह अभिमान की याद होंगी तो क्या होगा और देह ही अभिमानी होंगे तो क्या होगा, दोनों का कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बता दिया। तो उस रीति से योग का गहराई से अनुभव करना है तो संबंध। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमें तीन दरवाज़ों को बंद करना है, मन के तीन दरवाज़ों को बंद करना है। सबसे पहला दरवाज़ा है देह की स्मृति, अर्थात मैं कौन हूँ। क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरा पोस्ट पोजिशन क्या है, उसका कोई कनेक्शन है। याद किसको करना है, आत्मा को, परमात्मा को याद करना है। तो इस देह की स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला दरवाज़ा है इस देह की स्मृति का, अर्थात कोई भी प्रकार का अभिमान अपने अंदर न रहे। इसीलिए कहा गीता में एक ही सेंटेंस के अंदर कि देह और देह के संबंधों को भूलो, क्योंकि जहाँ देह की स्मृति है, मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट याद आएंगे, मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट्स याद आएंगे, मैं बाप हूँ तो बच्चे याद आएंगे। देह का संबंध भौतिक जगत के साथ है, तो जब तक ये देह की स्मृति है तब तक हमें भौतिक जगत की भौतिक विनाशी संबंधों की ही याद आती रहेंगी। इसलिए सबसे पहला दरवाज़ा है देह की स्मृति का दरवाज़ा। दूसरा दरवाज़ा है देह के संबंधियों की स्मृति का दरवाज़ा। कोई भी देह का संबंध ही याद न आए। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे आसपास है, जिनके साथ हम रह रहे हैं,
उसकी तो याद हमें योग में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ये मन जब शांत बैठता है ना, तो कहाँ 10 साल पीछे भी चला जाता है, 20 साल। तो 10 साल पहले जो शरीर छोड़कर गए हैं और वो हमें पता है, अर्थात 10 साल पहले मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं जब योग में बैठते हैं। तो इसका अर्थ, इसका कारण क्या है? अभी तक भी उस आत्मा के साथ हमारी रग जुटी हुई है, उस आत्मा के साथ हमारा मोह है। भले वो शरीर से तो चली गई, लेकिन उस आत्मा के साथ हमारी रग जुटी है। तो दूसरा दरवाज़ा है देह के संबंधियों की स्मृति का दरवाज़ा, और तीसरा दरवाज़ा है वो है देह के पदार्थों की आकर्षण। देह की स्मृति, देह के संबंधियों की स्मृति योग में इतना डिस्टर्ब नहीं करती है जितना दैहिक पदार्थों की आकर्षण हमें डिस्टर्ब करती है। विदेश में एक बहुत अच्छा शब्द कहते हैं, विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का मीनिंग क्या होता है? मान लो हम कहीं मार्केट में गए, बाज़ार में गए, किसी शोरूम के अंदर बहुत अच्छी चीज़ देखी और वो चीज़ हमको पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी, पसंद आ गई, किसी भी कारण से, चाहे उसका दाम ज़्यादा है, चाहे हमारे पॉकेट में इतना पैसा नहीं है, हमने उस चीज़ को परचेज नहीं किया, छोड़ दिया और आ गए। जब हम योग में बैठते हैं, हम शोरूम में पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत बढ़िया चीज़ थी, लेने जैसी थी, लेकिन दाम ज़्यादा था। ये है विंडो शॉपिंग। तो इस रीति से मन दैहिक पदार्थों की आकर्षण, योग में बैठे भी हम वहाँ पहुँच जाते हैं, वो देखी हुई चीज़ वस्तुएँ हमको याद आते हैं। और मन का एक स्वभाव है, जब तक हम काम में व्यस्त होते हैं तब हमें कुछ याद नहीं आता है, लेकिन जब शांति से बैठते हैं याद करने के लिए, तब क्या क्या बातें याद आती है कि बहुत सारी बातें याद आती रहती है। और इसलिए ये 3 दरवाज़ों को बंद करना ये बहुत आवश्यक है। फिर भी ये 3 दरवाज़ों को तो बंद कर दिया, और तभी हमारी 1-way ट्रैफिक शुरू होती है बाबा की याद। लेकिन जैसे घर के अंदर एक छोटा बच्चा होता है घुटनों के बल से चलने वाला, तो वो भी क्या करता है, कमरे में खेल रहा होता है, लेकिन जहाँ वो कहीं दरवाज़ा खुला देखता है तो पहले वहीं पर जाएगा, बल्कि कितने भी खिलौने पड़े होंगे लेकिन जाएगा दरवाजे के पास। माँ जब दरवाज़ा बंद कर देती है तो खेलता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद ध्यान तो वहीं जाएगा कि दरवाज़ा खुले, मैं बाहर भागूं। मन भी ऐसा ही है, छोटे बच्चे के समान है। तो ये 3 दरवाज़ों को तो बंद कर दिया, लेकिन अटेंशन रूपी पहरा रखना पड़ेगा। अटेंशन, तो अटेंशन रूपी पहरा देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वापस ये मन कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखना जरूरी है कि 3 दरवाज़ों को बंद करें, और तभी हम बाबा की याद में लवलीन हो सकते हैं। दूसरी बात है, तो वो है
हमारा इस दुनिया से अंदर का वैराग, जब तक अंदर से वो वैराग नहीं है तब तक हम इस दुनिया को भूल नहीं सकते। इसके लिए बाबा हमेशा मुरली के अंदर कहते हैं दुनिया मरी पड़ी है। जैसे अर्जुन को भी नष्ट मोहा बनाने के लिए कृष्ण ने क्या कहा, ये सब मरे पड़े हैं, मरे हुए को ही तुझे मारना है। तो अंदर से एक वैराग्य की वृत्ति, ये दुनिया कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से कभी किसी का मोह नहीं होता, श्मशान से तो हमेशा वैराग्य ही होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि दुनिया तो कब्रिस्तान मिसल है, सब मरे हुए हैं, देह अभिमान की कब्र में सोए हुए हैं, उन्हों से क्या दिल लगाना, उन्हों को क्या याद करना। तो अंदर की एक वैराग्य वृत्ति चाहिए और तभी हम याद में स्थित हो सकते हैं। तीसरी बात है गहराई का अनुभव करने के लिए, जो बाबा हम बच्चों को रोज कहते हैं विचार सागर मंथन करो। तो विचार सागर मंथन करना आवश्यक है। हम मुरली सुनते हैं, पॉइंट्स भी नोट करते हैं, लेकिन मुरली में से सारे दिन के अंदर हम उसका चिंतन कितना करते हैं। मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में तो रह जाती है, लेकिन सारे दिन के अंदर चिंतन करना अर्थात उसका स्वरूप बनना, तो वो कहाँ तक रहता है। और जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे तब तक उसका अनुभव भी कर नहीं सकते हैं। और इसलिए विचार सागर मंथन करना ये भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए रोज बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा तीन प्रकार का नशा चढ़ाते हैं। सबसे पहले है रूहानी नशा। रूहानी नशा अर्थात रोज बाबा हम बच्चों को कितने अलग अलग टाइटल देते हैं, हम कौन हैं, जिसको हम स्वमान कहते हैं, तो कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान बाबा हम बच्चों को देते हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर भगवान है, क्या क्या टाइटल देते हैं। तो रूहानी नशा चढ़ाते हैं। दूसरा ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा अर्थात मैं किसकी संतान हूँ, दुनिया जिसको ढूंढ रही है, दुनिया जिसको पुकार रही है, दुनिया जिसे पाने के लिए भटक रही है, और वो मेरा बाप है, मैं उसकी संतान हूँ। तो दूसरा है ईश्वरीय नशा, मैं किसकी संतान हूँ, और दैवी नशा। दैवी नशा अर्थात रोज बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं तुम ही देवता थे, तुम्हें ही देवता बनना है। तो रोज हम बच्चों को दैवी नशा चढ़ाते हैं। तो ये तीन प्रकार के नशे रोज बाबा हम बच्चों को चढ़ाते रहते हैं। अब जिन्हों को ये तीन प्रकार के नशे चढ़ते हैं या उसकी धारणा होती है, तो वह आनंद की अनुभूति और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करता है। ये तीनों प्रकार के नशे जब धारणा में आए तभी हम आनंद की अनुभूति या अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन वो आनंद और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम क्यों नहीं कर पाते हैं, कारण है जो बाबा ने एक मुरली के अंदर कहा कि तीन बातें हैं
जो ये नशा चढ़ने नहीं देती है। और वो तीन बातें हैं, परमत, परचिंतन, परदर्शन। एक है परमत, अर्थात दूसरों की मत से प्रभावित होना, जो बाबा कहते हैं ना, मनमत, परमत, और तीसरा है श्रीमत। तो मनमत मतलब मैं जो कहूँ वही राइट, मैं जो सोचूँ वही राइट। परमत अर्थात दूसरों की मत से प्रभावित होना, ये बहुत अच्छी बात कही। और वहाँ हमें श्रीमत भूल जाती है कि श्रीमत क्या कहती है। अपने ही अनुभव की बात कहूँ कि शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आए तो उस समय पर ये बाबा की एक मुरली चली ऐसी ही कि रावण के मत और एक है श्रीमत। तो ये पॉइंट चली क्लास में, दीदी ने बहुत अच्छी पॉइंट के ऊपर सारा विस्तार किया। हम परिवार से आते, घर से आते थे, अकेले ही ज्ञान में चलते थे, थोड़ा बंधन भी था। लेकिन जब ये मना, उस कारण से मुझे क्या थोड़ा डर रहता था, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे घर से आते थे तो। लेकिन जब ये बाबा की मुरली की पॉइंट क्लास में आई और सुने, तब मुझे अंदर से एक हो गया कि मैं लोग क्या कहेंगे वही सोचती रहती हूँ, लेकिन भगवान क्या कहता है वो तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो मुझे अगर बाबा की श्रीमत को ही फॉलो करना है तो मैं लोगों की चिंता क्यों करूँ। और तब से एक निश्चय हो गया कि बाबा की श्रीमत मुझे क्या कहती है वही मुझे करना है। क्योंकि क्या बड़ी बीमारी कौन सी है, भारत के अंदर सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, क्या कहेंगे लोग, यही है बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोक लाज जिसको हम कहते हैं। और इसलिए पर मत के प्रभाव से मुक्त होना। दूसरा है पर दर्शन, दूसरों को देखना कौन क्या करता है, कौन कैसे चलता है। जो बाबा कहते हैं ना, कल भी बताए ना, ऐसा तो चलता ही रहता है, वो तो होता ही रहता है। तो हम दूसरों को देखते रहते हैं, पर दर्शन। तो पर दर्शन करने से भी वो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देता है। पर दर्शन वो तो द्वापर से किया है, द्वापर से किया है। ये जो हमारा सृष्टि नाटक है, ये सृष्टि नाटक क्यों बिगड़ गया, क्योंकि द्वापर से हमने दूसरों को देखना शुरू किया। एक स्टेज के ऊपर चार नर्तकी नृत्य कर रही है। अगर पहली नर्तकी ये सोचती है कि बाकी तीनों के ताल मेरे ताल से मिलते हैं या नहीं, वो दूसरे के ताल को देखने जाएंगी तो क्या होगा, खुद का ताल मिस हो जाएगा। वही हमने गलती द्वापर से किया। हम दूसरों को देखने लगे, कौन क्या करता है, कौन कैसे चलता है, किसके कर्म कैसे हैं, वही देखने में लगे, और इसलिए हमारे कर्म बिगड़ गए। तो पर दर्शन। और तीसरा है पर चिंतन, दूसरों का ही चिंतन हम करते रहते हैं। निंदा, ग्लानी, ये सब बातें आती है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करना, चिंतन करना, कमी कमजोरी बुराइयाँ अवगुण, यही है पर चिंतन। तो ये पर चिंतन ही हम करते रहते हैं। और ऐसा पर चिंतन करने वाला कभी ईश्वरीय चिंतन कर नहीं सकता। तो पर चिंतन के अंदर ही हम अपना कितना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात किसी ने बताई कि मान लो हमारा कोई नेबर है, पड़ोसी है, और उसका बच्चा कोई गलत काम करके आता है, या हमने उसके अंदर कोई ऐसी कमी कमजोरी देखी, कोई अवगुण देखा,
और फिर उसकी वो बुराई का वर्णन हम अनेकों के आगे करते हैं। देखो फलाने का बेटा ये करके आया, ये करके आया, 10 लोगों के आगे हम उसकी बात करते हैं। फिर उसके माँ बाप को हम खुश करने जाएं, आप तो बहुत अच्छे हो, ये है वो है, वो माँ बाप खुश होंगे। पड़ोसी के बच्चे की निंदा करके उसके माँ बाप को खुश करने जाओ, माँ बाप खुश होंगे? नहीं। ऐसे ही ये सारा एक ईश्वरीय परिवार है, न सिर्फ हम, बाबा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो सारा विश्व एक परिवार है। तो किसी की भी बुराइयों का वर्णन करके, किसी की भी निंदा करके, हम भगवान की महिमा करके उसको खुश करने जाए, वो खुश होगा? कभी नहीं। तो किसी की भी परचिंतन की बातें करके भगवान कभी खुश नहीं होता है। और इसलिए बाबा कहते तीन पर को छोड़ो, परमत, परदर्शन, पर चिंतन, तभी हम ईश्वरीय चिन्ह। तो तीन पर को छोड़ो, एक पर को धारण करो, और वो है परोपकार, हमेशा हरेक के प्रति उपकार की भावना, तभी हम योग की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। पांचवी बात है कि हमें खुद को अंदर से एक साइलेंस की इच्छा, तीव्र इच्छा बनी रहे, मुझे शांति की अनुभूति करनी है। और वो शांति की अनुभूति के लिए हमारी अपनी अंतर्मुखता की स्थिति चाहिए, और जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, तो कहते हैं ना अंतर्मुखी सदा सुखी, अपनी आत्मा के प्रति ध्यान, जितना हम अंतर्मुखता में रहेंगे या अंतर्मुखता को धारण करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली उसका वाणी में आना कम हो जाएगा, उसकी वाणी कम हो जाएगी, बहुत कम बोलेंगे। जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक गंभीरता का गुण आता जाएगा। और तभी ऐसी जब हम अंतर्मुखी स्थिति को अपनाएंगे, तो हम बाबा की याद में, क्योंकि जितना तो नेचुरल वाणी में भी ज़्यादा आते हैं, और वाणी में ज़्यादा आते हैं तो फिर योग में बैठते हैं तो साइलेंस का अनुभव कैसे कर सकेंगे। इसलिए जब हमें वो शांति की अनुभूति करनी है, वो योग की गहराई में जाना है, तो जितना हो सके अंतर्मुखी वाणी में कम आए, तभी हम वो अनुभव कर सकते हैं। और एक बात, और वो है आत्म अभिमानी स्थिति, जो रोज़ रोज़ बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, जो अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में किया, खुद ने भी किया, हमारे दादियों से भी करवाया कि मैं आत्मा, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, एक एक को आत्मा देखना, आत्मा समझना, वो अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने खुद ने भी किया और हमारे एक एक दादियों ने भी किया। जो दादियों के अनुभव हम सुनते हैं, तो उन्हों को भी आत्मा का इतना पाठ पक्का हो गया था कि अगर मधुबन में आते, मान लो उस समय पर तो जो बाथरूम होते थे, अगर कोई बहन बाथरूम में गई हुई है, बाहर से कोई दूसरी नॉक करते हैं, कौन है, तो अंदर से जवाब आता आत्मा है, इतना पक्का, नाम भी नहीं बताएंगे कौन है, तो क्या आत्मा है, इतना आत्मा का पाठ पक्का हो गया था। तो पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति के अंदर भी चार स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहली स्टेज है वो है शरीर से न्यारा और शरीरी बनने का अभ्यास, देह में रहते देह से न्यारा, तो अशरीरी बनने का अभ्यास। जितना हम अशरीरी बनते जाएंगे, उतना ही हमें बाबा की याद सहज आएंगी। दूसरा है
अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्टेज। तीसरे है निराकार की स्मृति, बीज रूप अवस्था। तो ये आत्माभिमानी के अंदर भी जो स्टेजिस है, और जितना हम इन स्टेजिस का अनुभव करते जाते हैं तो उसी के आधार पर ही हम योग की गहराई में, क्यों? क्योंकि हमारी जो पाप कर्म को भस्म करने की विधि है तो वो है बिंदु रूप की स्थिति, बीज रूप की स्थिति। हाँ, हम देह से न्यारा होने का अभ्यास करते हैं, हमारी आत्मिक दृष्टि बनी रहती है, और आत्मिक दृष्टि बनने से हमारे से कोई भी ऐसे विकर्म नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे पिछले पाप कर्मों का अकाउंट है और उसको क्लियर करना है, तो उसके लिए चाहिए वो बीज रूप वाली याद, जिसमें मैं आत्मा हूँ और बाप मेरा, और कोई संकल्प नहीं। हमारे रमेश में हमेशा सुनाते थे, एक बार बाबा से पूछा तो कहा योग मना, योग में सेवा का संकल्प चलता है, वो भी योग नहीं है। तो सेवा का भी संकल्प योग में ना चले। तो पापों को भस्म करने के लिए और कोई प्रकार के संकल्प हमारे मन के अंदर ना हो, और ऐसी जब हमारी याद हो, मैं भी बिंदु बाबा भी बिंदु, और उसी याद से हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। तो ऐसे योग की गहराई का अनुभव करने के लिए अगर हम इन बातों के ऊपर अटेंशन रखते हैं तो वो गहराई का अनुभव हम कर पाते हैं। अच्छा, ऑप्शन टी।